So, in the previous lecture, we all discussed about the how many types of the regenerative feed heating cycle we have. We have used the different arrangement of the regenerative feed heating cycles. Okay, and we are doing the some numericals on this. Okay, so when we complete this chapter unit today, we are discussing the numericals also. So before that, there is some theoretical topics which are remaining, like the advantages of the regenerative feed heating cycle over the Rankine cycle. What are the disadvantages? Optimum feed water temperature क्या होता है? और उसके अलावा हमारे पास रहता है फीड हीटर्स, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे. कितने टाइप के बताए थे फीड हीटर हमने? कितने टाइप के फीड? दो सर, दो पढ़े हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसको हम लोग अभी स्टडी करते हैं ना. हमसे शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है कि है ना, व्हाट आर द शॉर्ट नोट्स ऑन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द फीड हीटर्स. इसको इनडायरेक्ट वाले को हम लोग है ना सरफेस फीड हीटर भी बोलते हैं, कि व्हाट इज द सरफेस फीड हीटर. सो लेट्स बिगिन विद द एडवांटेज ऑफ द रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल. एक सेकेंड ना, जब ठीक है. ओके, सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल. सो सबसे पहला जो एडवांटेज है कि द हीटिंग प्रोसेस बॉयलर्स टेंड्स टू बिकम रिवर्सिबल. ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट टाइप ऑफ फीड हीटर्स लगा देते हैं, तो हमारा ये प्रोसेस कैसा हो जाता है? रिवर्सिबल हो जाता है. ये प्रोविजन किसने प्रोवाइड करवाया? रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल ने प्रोवाइड करवाया. रैंकिन साइकिल के अंदर ये प्रोविजन नहीं था. ओके, द थर्मल स्ट्रेसेस सेटअप इन द बॉयलर आर मिनिमाइज. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट टेम्परेचर रेंजेस इन द बॉयलर्स आर रिड्यूस. कि बॉयलर के अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, टेम्परेचर को रिड्यूस कर रखा है. तो ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द टेम्परेचर, हमारे पास में क्या है, वहां पर किसी टाइप की कोई स्ट्रेस भी जनरेट नहीं हो रही है. द थर्मल एफिशिएंसी इज इम्प्रूव्ड. द थर्मल एफिशिएंसी इज इम्प्रूव्ड बिकॉज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन द साइकिल, हीट रेट इज रिड्यूस्ड. जो हम लोग हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है, हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हुई है. द ब्लेड हाइट इज लेस ड्यू टू द रिड्यूस अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ स्टीम. स्टीम ड्यू टू द रिड्यूस अमाउंट ऑफ स्टीम पासेस थ्रू द लो प्रेशर स्टेजेस. ड्यू टू द मैनी एक्सट्रैक्शन देर इज एन इम्प्रूवमेंट और इन द टर्बाइन ड्रेनिंग इट रिड्यूस इरोजन ड्यू टू द मॉइस्चर. कि हमारे पास क्या हो रहा है, जब लोअर स्टेज के अंदर जा रहे हैं, तो लोअर स्टेज के अंदर हमारे पास मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, जिससे कि हमारी टरबाइन जो है वो टरबाइन क्या हो जाती है, रिड्यूस उसके अंदर कोरोजन और रिजन होने लग जाता है. इससे ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको टाइमली क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं. तो एक्सट्रैक्शन से हमारे पास जो टरबाइन के अंदर जितना भी कंडेंस्ड मटेरियल जा रहा था वो नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारी टर्बाइन में इरोजन एंड कोरोजन नहीं होगा. आगे जाके इसको हम लोगों ने ना एक और साइकिल यूज किया, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर एक्सट्रैक्शन साइकिल. यहाँ पर भी लो प्रेशर टरबाइन का यूज करने लगे, वहां पर हम लोगों ने एक नया साइकिल यूज किया, जिसको हम बोलते हैं वाटर एक्सट्रैक्शन साइकिल, जिसको आने वाली यूनिट्स के अंदर हम लोग स्टडी आउट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया कि इसके अंदर है ना जो कंडेंसर की रिक्वायरमेंट जनरेट हुई वो किसकी हुई, लेस अमाउंट लेस साइज ऑफ कंडेंसर की रिक्वायरमेंट जनरेट हुई, क्योंकि जो हमारा एग्जॉस्ट प्रेशर है उस एग्जॉस्ट प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ स्टीम आ रहा है वो कम है, और उसका प्रेशर भी काफी लेस होके आ रहा है. दैट्स व्हाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडेंसर इज रिक्वायर्ड टू कंडेंस द ऑल कंडेंसेड. दीज आर द सम एडवांटेजेस. बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि हम लोगों को क्या लगाने हैं, इसमें फीड हीटर्स लगाने हैं. तो फीड हीटर्स लगाने के लिए हमको टर्बाइन के अंदर कुछ ऐसे पैसेज बनाने होंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वहां से स्टीम को बाहर निकाल सकते हैं. फॉर अगर ये स्टीम हमको इससे बाहर निकालनी है, तो स्टीम को बाहर निकालने के लिए हमारा जो प्लांट है वो कैसा हो जाएगा, मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ हीटर्स ग्रेटर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड. क्यों? क्योंकि हमने बताया था, एक हम लगाते हैं इसके अंदर बॉयलर फीड पंप BFP. ठीक है, ये बताया इसको कहाँ पर लगाना होता है. इसके लिए एक पर्टिकुलर डिजाइन डिसाइड की जाती है कि जो
फीड हीटर इसको फॉलो करता है, उसको हम किस पेपर जनरेट करते हैं, काफ़ी लो प्रेशर के ऊपर डिज़ाइन करते हैं, फिर उसका मटेरियल थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। एक पावर, लार्ज पावर कैपेसिटी के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छे बॉयलर की या फिर एक अच्छे कैपेसिटी बॉयलर की रिक्वायरमेंट होती है। द हीटर्स आर कॉस्टली एंड द गेन एंड द थर्मल एफिशिएंसी इज नॉट मच कंपेरिजन टू द हेवियर कॉस्ट। जितनी हम लोग इस पे कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं उतने कंपेरिजन के अंदर हमको क्या नहीं मिलती है, इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी या फिर थर्मल एफिशिएंसी नहीं मिलती है, ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ना इसके अंदर और साइकिल्स मिक्स कर दिए, ठीक है, रीजनरेशन के अंदर ही हम लोगों ने इसमें रीहीटिंग रीजनरेशन यूज़ करा, हम लोगों ने इसमें वाटर एक्सट्रैक्शन का यूज़ करा। पहले एक बाइनरी वेपर साइकिल चला करता था, वो बाइनरी वेपर साइकिल को भी एक नए वे में इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। ओके, सो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, दैट इज द ऑप्टिमम फीड हीटर टेम्परेचर। एक नया टॉपिक हमारे पास निकल के आया, दैट इज द ऑप्टिमम फीड वाटर टेम्परेचर। व्हाट इज द ऑप्टिमम फीड वाटर टेम्परेचर? दिस इज द टेम्परेचर ऑन विच द रीजनरेटिव फीड हीटिंग कैन बी कैरिड आउट वेरी इफिशियंटली। ठीक है, इसको हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द हीट सप्लाइड पर यूनिट ऑफ वर्क ऑप्टेन एक्सप्रेस जनरली एज किलो जूल पर किलोवाट आवर, समटाइम इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हीट कंजप्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला इसके लिए ड्राइव करके दिया है, हियर इज अ फॉर्मूला, दैट द हीट रेजिज हीट सप्लाइड मल्टीप्लाई बाई 3600 अपॉन हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, दैट द जो कितना हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, दिस विल बी कम्स इनटू द किलो जूल पर किलो वॉट आवर। ओके, दूसरे वर्ड्स में अगर देखा जाए तो ये जो हीट सप्लाई दैट इज द क्यू ए, हीट रिजेक्टेड दिस इज द क्यू आर, और ऊपर क्या है हीट सप्लाइड दैट इज द क्यू ए, इसको देखा जाए तो ये क्या बताता है, हमारी थर्मल एफिशिएंसी को शो करता है कि दिस इज आवर द थर्मल एफिशिएंसी। तो इन्होंने देखो यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर क्या किया, 3600 को तो रहने दिया, तो 3600 अपॉन थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है, दिस विल कम इनटू द किलो जूल पर किलोवाट आवर। तो जो जैसे याद रहे वैसे पूछ रहे पढ़ना, ये है ना जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वहां पर पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ऑप्टिमम फीड वाटर हीट टेम्परेचर। तो वहां पर तुमको पता होना चाहिए कि ये ऑप्टिमम फीड वाटर टेम्परेचर का मीनिंग क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज अ फीड हीटर, कि बेसिकली फीड हीटर होते क्या हैं। अभी आप लोगों ने जनरली हीट ट्रांसफर के अंदर यूनिट नंबर 4 कंप्लीट करी होगी, जिसके अंदर आप लोगों ने हीट एक्सचेंजर के बारे में स्टडी किया होगा। सो इन द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास में फीड हीटर्स हैं, ये फीड हीटर क्या है, फीड हीटर एक टाइप के हीट एक्सचेंजर हैं जिनका काम बड़ा ही सिंपल होता है कि जो हॉट फ्लूइड आ रहा है उससे हीट लेना है और जो कोल्ड फ्लूइड जा रहा है उसको हीट देना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हॉट फ्लूइड अपनी एनर्जी को लूज करता है और वो एनर्जी किसको मिल जाती है, हमारे कोल्ड फ्लूइड को मिल जाती है। अभी हम लोग जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर हॉट फ्लूइड कौन सा है, स्टीम, जो कि किससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, टर्बाइन से। कोल्ड फ्लूइड क्या है हमारे पास में, फीड वाटर, जो कहाँ से आ रहा है, हमारे पास में जो रिजर्वायर है वहां से आ रहा है। तो ये रिजर्वायर क्या कर रहा है, एनर्जी को गेन कर रहा है, और किसकी एनर्जी से ले रहा है, ये स्टीम की जो एनर्जी है उस स्टीम की एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली यूज करे जा रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर है ना हम लोगों ने इसको बताया गया है कि दीज आर बेसिकली अ हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर एक नई चीज जनरेट होकर आती है, दैट इज अ टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस। आगे मान लो मेरे पास में एक फीड हीटर है, यहाँ से कुछ स्टीम अंदर आई और यहाँ से हमारे पास फीड वाटर बाहर गया, ठीक है, फीड वाटर एंटर आया। जब ये स्टीम बाहर निकल रही है तो इसके स्टीम का जो टेम्परेचर है उसमें, और ये जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, इस लिक्विड के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसने मेंशन भी किया है, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर लीविंग द हीटर एंड द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग द हीट
हीटर सर्विस हीटर स्टीम प्रेशर, जिसको अपन किससे नोट करते हैं कि यहाँ पर अगर एनर्जी किसी एच वन से आ रही है तो यहाँ पर किससे निकलनी चाहिए थी, एच एफ वन से। तो ये वाटर भी किससे निकलना चाहिए था, एच एफ वन से। अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट फ्री हीटर्स के लिए, तो डायरेक्ट फ्री हीटर्स के लिए ये जो टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस है ये कितना होता है, जीरो होता है। जबकि जो इनडायरेक्ट टाइप के फ्री हीटर्स होते हैं हमारे पास, जिसको हम सरफेस फ्री हीटर्स भी बोलते हैं, उनके लिए टेम्परेचर डिफरेंस जो रहता है TTD, ये अप्रॉक्सीमेट 6 डिग्री के अप्रॉक्स रहता है। ठीक है, वहाँ पर कुछ टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट हो जाता है। सो हियर वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द फ्री हीटर्स। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्री हीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन फ्री हीटर भी बोलते हैं। एंड सेकेंड वन इज द सर्फेस फ्री हीटर, जो कि हमारे कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट टाइप और क्लोज फ्री हीटर बोलते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द डिजायरेबल टू हैव जीरो TTD, सो दैट फीड वाटर इज हीटेड टू द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर ऑफ स्टीम। दिस इज पॉसिबल ओनली विद द यूज ऑफ द डी सुपर हीटर। डी सुपर हीटर क्या करता है, अगर हमने जो स्टीम एक्सट्रैक्ट करी है वो स्टीम कैसी है, सुपर हीटेड स्टेट में, तो वो हमारे वाटर को हाई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा पाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, डी सुपर हीट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो कि हम लोगों ने एक बॉयलर के अंदर टर्म यूज करी थी सुपर हीटर, बॉयलर में हम लोगों ने की टर्म यूज करी थी, उसका नाम था सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या थी, एक ऐसी डिवाइस थी जो कि हम लोग एज एसेसरीज यूज कर रहे थे, जो हमारी सैचुरेटेड लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहा था, सुपर हीटेड वेपर के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। हमने क्या करा, हम लोगों ने एक सैचुरेटेड स्टीम ली, उसको सिनास कहां पर पास करवाया, सुपर हीटर के अंदर पास कराया, और सुपर हीटर में पास कराने के बाद हमको क्या मिल गई, सुपर हीटेड स्टीम मिल गई। बट डी सुपर हीटर का काम क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ये यहाँ पर डी सुपर हीटर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, सुपर हीटेड स्टीम लेता है और इसको किस में कन्वर्ट करता है, सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है। एज द सैचुरेटेड स्टीम हैव द लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो ये क्या करेगी, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करवाती है टू द करस्पॉन्डिंग सर्फेसिस जो इसके कॉन्टेक्ट के अंदर आ रही है। ठीक है, दैट्स वी आर यूजिंग द डी सुपर हीटर। आओ बात करते हैं डिटेल के अंदर किसके बारे में, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्री हीटर के बारे में और सर्फेस फ्री हीटर्स के बारे में, कि कैसे ये सरफेस हीटर्स होते हैं। डायरेक्ट, जिसके अंदर हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों किसमें मिक्स हो रहे हैं, फिजिकल कॉन्टेक्ट के अंदर आ रहे हैं, और क्लोज या सरफेस के अंदर क्या होगा, किसी वेसल्स के थ्रू क्या रहेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन के अंदर रहते हैं। तो आओ देखते हैं इनको, इसके स्ट्रक्चर्स के तो समझने की कोशिश करते। Here's the direct contact feed heater. So, if we are talking about the direct contact feed heater, so in the case of the direct contact heater, the steam extracted for the turbine and allowed to mix the water. यहाँ पर देखो हमारे पास में heated water है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हमारे पास में क्या है, heated water है। एक के ना ऊपर एक पैसेज बना हुआ है जिसके अंदर होल्स हैं। इस होल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो कंडेंसेट है हमारा था, उसको क्या करवाते हैं, स्प्रे करवाते हैं। ठीक है, या फिर जो हम लोगों के पास में वाटर आ रहा है, जो स्टीम आ रही है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करवाते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है, ये कंटिन्यूसली इस फीड वाटर को क्या करता है, हीट करने का काम करता है। और बहुत सारी चीजें इसके लिए लगाई जाती है, लाइक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल लगा दिया, एक लिफ्टिंग लगा दिया, एल्यूमिनियम की स्क्रीन होती है ताकि ना क्या निकल सके, ये एक्सपेंड नहीं कर सके। एग्जॉस्ट स्टैक होता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो हमको एग्जॉस्टेशन भी चाहिए होता है। इसके अंदर स्प्रे वाल होती है, लेवल इंडिकेटर होता है दिखाने के लिए कि वाटर कितने लेवल पे भरा हुआ है। ठीक है, लैडर होती है ताकि एक जो भी पर्सन इसको है ना ऑपरेट कर रहा है वो उसको झड़ के दिख सके कितना बड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि अभी हमने ना एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बना दिया तो इतना सा है, ये क्या होता है, एक शेप काफी बड़ा एरिया कवर अप करता है। ठीक है, और फिर एक ओवरफ्लो पाइप है कि अगर हमारे पास में क्या जनरेट हो जाता है, एक्सेस में वाटर आ रहा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस ओवरफ्लो पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं इसमें और सरफेस फ्री हीटर के अंदर क्या है। यहाँ पर तो क्या हुआ, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर स्प्रे हुआ, स्प्रे होने के बाद में इस हीटेड वाटर के साथ में मिक्स हो गया, मिक्स होगा तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल के यूज कर लेते हैं। अब उसके में क्या, और सरफेस फ्री हीटर की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या आता है, आओ सरफेस हीटर की बात करते हैं। हियर इज द डायग्राम ऑफ द सरफेस और क्लोज हीटर। ठीक है, यहाँ पर तुम देख रहे हो दोनों के अंदर कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमको एक सरफेस है, ये हेयर लाइन स्ट्रक्चर होती है,
इस हेयर लाइन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में क्या जनरेट होता है? हेयर इज द हेयर लाइन स्ट्रक्चर। इस हेयर लाइन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में क्या रहता है? इस हेयर लाइन स्ट्रक्चर के अंदर देखो दो ट्यूब्स हैं, एक तो ये वाली ट्यूब बनी हुई है, ये ब्लू ब्लू कलर की जो है, ये ब्लू कलर वाली, ठीक है। इस ब्लू कलर वाली ट्यूब के अंदर हम लोग क्या फ्लो करवाते हैं? हमारा फीड वाटर फ्लो करवाते हैं। तो यहाँ पर एक चैम्बर बना हुआ है, इस चैम्बर के थ्रू बता रखा है हमने कि यहाँ से क्या आ रहा है, फीड वाटर आ रहा है यहाँ पर। यहाँ से हमने फीड वाटर एंटर करवाया, ये इसके अंदर फ्लो कर रहा है, जितनी भी हमारी ट्यूब्स हैं इन ट्यूब्स के अंदर हमारा क्या फ्लो कर रहा है? फीड वाटर फ्लो कर रहा है। हम यहाँ से स्टीम को एंटर करवाते हैं। जब ये स्टीम एंटर करती है तो बीच बीच में हमने क्या लगा दिए हैं? बैफल्स लगा दिए हैं। व्हाट आर द यूज ऑफ द बैफल्स? What are the benefit of the vessels? Why we are using these vessels? What is the purpose of use? हाँ बच्चे। Steam को direction provide कराने के लिए। हाँ, इनको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वेसल्स का यूज़ करते हैं। अगर हम वेसल का सॉरी बैफल्स का यूज़ नहीं करते तो जितनी भी स्टीम यहाँ से इनलेट हो रही है, जितनी भी स्टीम यहाँ से इनलेट हो रही है, ये सारी की सारी स्टीम क्या होती है? एक ही पैसेज के अंदर फ्लो करती, इम्पैक्ट करने के बाद में क्या करता है? या तो ये कॉमन साइड में इस डायरेक्शन फ्लो करती या फिर क्या करती है, ये इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती। बट यूजिंग द बैफल्स हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर पहले सबसे पहले एक बैफल लगाई इस जगह पे, यहाँ पर से स्टीम क्या हुई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक कुछ स्टीम यहाँ पर मूव चली गई, कुछ स्टीम यहाँ पर हो गई। फिर ये बैफल्स क्या करते हैं, ये बैफल्स जितने भी हमारी ये ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो होने वाले वाटर को प्रॉपर हीट करने के काम में आते हैं, ठीक है। इस फ्लूड के अंदर फ्लो करने वाले वाटर को प्रॉपर फ्लूड करने के काम में आते हैं कि कितना हमारा वाटर क्या हो पाएगा, प्रॉपर हीट अप जनरेट कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इन ट्यूब्स का यूज करते हैं, ये जो ट्यूब्स बनी हुई है, ठीक है। फिर जब हमारा ये वाटर हीट हो गया है तो वाटर हीट होने के बाद में इस वाटर को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से तो हमने इन करवाया, यहाँ से हमने फीड वाटर बाहर निकाल दिया, जितनी स्टीम हमने इनलेट करवाई थी इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, ड्रेन करके बाहर निकाल दिया। और ड्रेन करके बाहर निकालने के बाद में अगर हमने ट्रैप लगाया हुआ है तो अगले फीड हीटर के पास भेज देते हैं, ट्रैप नहीं लगाया हुआ है तो इसको कंडेंस करते हैं, कंडेंस करने के बाद में ये जो फीड हीटर बाहर आ रहा है यहाँ पर इसके साथ में मिक्स करके अगले फीड हीटर के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। तो हम जब इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो ब्लॉक डायग्राम में हमको दिखता है कि ये बहुत पास पास है, बट एक्चुअलिटी में क्या होता है, एक ये बहुत लार्ज एरिया कवर करता है और उस लार्ज एरिया को हम लोग थोड़ा स्पेस के साथ में रखते हैं। दैट्स व्हाई जब हम इन साइकिल्स का यूज करते हैं तो हमारे पास स्पेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और साथ के साथ में इनकी मेंटेनेंस भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फीड हीटर्स। तो इन दोनों फीड हीटर्स को वैसे तो मैंने गूगल क्लासरूम पे पीपीटी शेयर कर दी है, तो वहां पर से देख लेना, नहीं हो तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ये है ना, यहाँ पर हम लोग है ना बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन के बारे में कल बात करी थी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसका ब्लॉक डायग्राम और एचएस डायग्राम तो मेरे सामने है बट इसके सॉल्यूशंस को नहीं है। तो बिना इस पीपीटी को देखे यूजिंग द मॉयलर चार्ट एंड टीएस एंड एचएस डायग्राम यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो जाएगा सबसे? ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। ट्रैप लगाया हुआ है, कैस्केड करके हम लोगों ने कहाँ डाल दिया, सक्सेसिव बॉयलर के सक्सेसिव फीड हीटर के पास में भेजा है, लास्ट में क्या करा है, एक ड्रेन कूलर लिया है, उस ड्रेन कूलर से जितनी भी स्टीम कंडेंस हुई है उसको कहाँ भेज दिया, कंडेंसर के पास में भेज दिया। और ये सारे केसेस कैसे लिए अभी तक हम लोगों ने? आइडियल लिए हैं। अगर ये केसेस कैसे होते हैं, एक्चुअल होते हैं हमारे पास में, तो हम हमारे पास क्या जनरेट हो जाती है, एक एंथैल्पी और जनरेट हो जाती है। जैसे मान लो कि बोलता कि ये टेम्परेचर का जो कंडेंसेशन है
ये यहाँ की जगह जीरो से वन की जगह क्या होता है, हमारे पास बोलता है ये यहाँ पर वन से टू डैश होता होता, और फिर यहाँ से वापस कॉन्स्टेंट जाता। तो हम लोग यहाँ पर टू डैश को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। टू डैश को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या गिवन होती है, एफिशिएंसी गिवन होती है कि कुछ लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, बोलता है 10% लॉस है, तो इफिशियंट कितना हो गया, 90% हो गया। 90% की एफिशिएंसी दे रखी है तो वो एफिशिएंसी हमको दी मिली भी होगी, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हुए चलते हैं, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट, ये जो यूनिट है ये फिनिश हो चुकी है। अब हमारे पास में ना एक लास्ट बच रहा है, दैट इज अ रीजनरेटिव फीडिंग साइकिल। हियर इज अ कंक्लूजन ऑफ दिस यूनिट, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। मैंने बापे रिएक्शन, सबने रिएक्शन टर्बाइन से स्टार्ट किया था, रिएक्शन टर्बाइन के अंदर पार्सन्स टर्बाइन के वेलोसिटी डायग्राम पढ़ा था, उसकी डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा था। ध्यान रखना इसके अंदर डिग्री ऑफ रिएक्शन और पार्सन्स टर्बाइन पक्के से पढ़ना, साथ के साथ उसमें जो ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी थी और कौन सी ब्रीड एफिशिएंसी थी उसके फॉर्मुलेस को फोकस करना है। फिर हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर कि आइडियल साइकिल ऑफ स्टीम टर्बाइन कौन सा होता है, क्यों हमको है ना मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बताया कि रीजनरेटिव फीडिंग साइकिल और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल की रिक्वायरमेंट कैसे हुई, कैसे कैसे हम लोगों को स्टडी किया है, ठीक है। फीड हीटर्स के बारे में भी हम लोगों ने लिख करा, और इन द थ्रू आउट जो हम लोगों ने ना किसने पढ़ा था इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में, वहीं से कंक्लूड करके हमने ये भी बताया कि कैसे हम लोग यहाँ पर स्टीम टेबल और मॉयलर चार्ट का यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल विद दिस यूनिट एंड टूडेज लेक्चर। From next lecture, we are beginning with the unit number 5. Just a second.